चीनी खातून रिपोर्टर को बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी मुबाहिसे के दौरान एक कारकुन को थप्पड़ मारने के इल्जाम पर लंदन की अदालत ने जुर्माना आयद करते हुए सजा सुना दी। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV के 49 साल रिपोर्टर पर लिंकन कॉलिंग को हांगकांग के हवाले से एक मुबाहिसे के दौरान बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी के कारकुन को थप्पड़ मारने के इल्जाम में लंदन की मजिस्ट्रेट अदालत में केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान बताया गया कि सहाफी ने चीन से अलहदगी के हक में दलाइल देने पर कंजर्वेटिव पार्टी के एक कारकुन पर चीखा चलाया और थप्पड़ भी मारा। जज शमीम कुरैशी का कहना था कि मुबाहिसे के दौरान दलाइल पर वो बतौर पेशावर सहाफी के अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई और जज्बात में हमलावर हो गए। मजिस्ट्रेट ने चीनी सहाफी को 1 साल की मशरूत सजा सुनाई। जज शमीम कुरैशी ने चीनी सहाफी को मुखालिफ फरीक को हर्जाने के तौर पर $2,737 अदा करने की हिदायत दी है। तहम चीनी रिपोर्टर के वकील ने तमाम इल्जाम को मुस्तरद करते हुए दोनों सजाओं के खिलाफ अपील करने का इंदिया दे दिया है।